Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो किताब है ये बिल्कुल आपकी फिल्मों की तरह है. It begins in the middle, there's lots of points of views, and it's a fabulous fun story because it's got many fun stories in it. Congratulations on this wonderful book that you've just written. Thank you so much, Rani, and thanks for having me. We called the book The Stranger in the Mirror. Yes, of course. The Stranger in the Mirror. You know, ये ही मेरा पहला सवाल है कि अक्सर लोग किताब तब लिखते हैं या तो जब उनके पास थोड़ा सा वक्त होता है या फिर उनको लगता है कि चलो यार जो भी करना था मैंने कर लिया है अपनी जिंदगी में, अब मैं किताब लिख सकता हूँ. आई नो द सेकंड इज नॉट ट्रू फॉर यू बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीजें करना बाकी हैं, बहुत सारी फिल्में आप में बाकी हैं, लेकिन वॉज दिस अ प्रोडक्ट ऑफ मेरे पास थोड़ा सा वक्त था और इसीलिए मैंने इसे वक्त दिया? नहीं, रोहिणी, मेरे को फिल्मों पे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, अभी से नहीं, पहले से. और जब भी मैं देश विदेश की यात्रा करता हूँ तो जो मेरी चहेती फिल्में हैं उनकी किताबें बुक स्टोर में जाके या कहीं भी मिलती हैं तो, और जिस दाम में भी मिलती है मैं ले लेता हूँ. उनसे पढ़ने, उनको पढ़ के पता चलता है कि फिल्मों के पीछे क्या कहानी है, कहानी के पीछे क्या कहानी है, और किन किन दौर से फिल्में गुजरी, कैसे कैसे हुआ. तो मेरा अक्सर मन करता था कि अपनी फिल्मों के बारे में भी कुछ ऐसा लिख डालूं इससे पहले मैं सब कुछ भूल जाऊं. और तो वहीं से ये शुरू हुई किताब कुछ 4 साल पहले, और करते 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 ऑर्गेनिकली जैसे बोलते हैं एक आपो ही आप चीजें बढ़ती गई और समझ में ही आने लगा कि फिल्में जो हैं वो, मालूम तो था खैर सबकॉन्शियसली, बट फिल्में जो हैं वो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं. बिल्कुल. तो रंग दे बसंती स्कूल कॉलेज दिनों से जुड़ी हुई है, दिल्ली छह मेरे बचपन से जुड़ी हुई है, भाग मिल्खा भाग मेरे स्पोर्टिंग करियर, या फिर जो मैंने कहानियां सुनी थी पार्टीशन के बारे में दिल्ली में रह के, उनसे जुड़ी हैं. तो जाहिर था कि इनका बीज कब कहाँ कैसे बोआ गिरा और कब जाके वो फूला फला, वो पूरा इस किताब में उसका वर्णन है. आई रियली लव इट क्योंकि बहुत सारे फिल्में हैं जो हम देख चुके हैं, फिल्म्स दैट चेंज्ड लाइक इंडिया एवरी टाइम, राइट? लाइक रंग दे बसंती, मैं जानती हूँ कि was such an important film for us when we were growing up, क्योंकि इस फिल्म ने हमें, you know, cool के साथ साथ थोड़ा सा patriotic भी बनाया और हमें एहसास दिलाया कि हम कैसे cool भी हो सकते हैं और हम patriotic भी हो सकते हैं. But what I loved is how the stories have emerged, right? And I made a couple of notes. मुझे लगा कि आज इस interview के दौरान this is how we'll do this interview. मैं आपको कुछ ऐसे chapters जो आपने लिखे हैं उनकी याद दिलाऊंगी और आप मुझे संक्षेप में अगर हो सके तो ये कहानी जो है, ये चुटकुला जो है सुनाइएगा. डिस्कवर करना ऑफ कोर्स ऑडियंस का काम है, सो दिस इज लाइक ट्रूली द ट्रेलर ऑफ योर बुक. ऑलराइट, सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज, इज जब आपकी जिंदगी में ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन आए. अब ये, यू नो, दिस इज अ सेमिनल मोमेंट इन एनीबॉडीज लाइफ इन इंडिया. जब हम पहली बार बच्चन साहब से मिलते हैं, इसका इंटरव्यू, इसका एक डिस्क्रिप्शन है, एक चैप्टर है आपके बुक में, लेकिन अगर आप मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं थोड़ा सा उस पहली मुलाकात के बारे में. मैं उन दिनों एड फिल्म बना रहा था और कुछ लेट 80s की बात है, और एक मित्र आए, उन्होंने बोला देखो एक तुमसे बहुत सीक्रेट बात करनी है, तो जो मैं किसी को बता नहीं सकता. मैंने कहा मेरे को तो बता सकते ना, तो आप सी मेरे को बताइए. कहते हैं एक शख्स के साथ एक एड फिल्म बनानी. मैंने कहा इसमें सीक्रेट क्या बात है, ये तो मेरा काम है, मैं तो एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाता रहता हूँ और यही करता हूँ. उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो ऐसे वैसे शख्स नहीं है, उनका नाम मैं नहीं बता सकता आज. ठीक है, मतलब आप मेरी टांग खींच रहे हो या सस्पेंस बिल्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे को गोहेड चाहिए बिल्कुल. अगले दिन फिर मिले तो बोला कि वो शख्स का नाम है अमिताभ बच्चन और उनके साथ
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बीपीएल सैन्यो का, और वो पहली बार, ये बहुत जरूरी बात है कि पहली बार अमिताभ बच्चन कोई एड फिल्म करेंगे। अब उन दिनों पता है जो सेलिब्रिटीज होते थे, हमारे एक्टर्स होते थे, क्रिकेटर्स होते थे, वो एड फिल्म करते नहीं थे उन दिनों। ये सिस्टम ये था कि आप सेलिब्रिटीज लें, आज तो बिना सेलिब्रिटी लिए एड फिल्म बनती नहीं, तो ऐसा आ गया है जमाना। तो बिल्कुल अगले दिन की मीटिंग फिक्स हुई और हम गए। ABCL का ऑफिस था, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन शुरू हुआ था जो फिल्में बना रहा था, और हम कॉन्फ्रेंस रूम में थे बैठे हुए, वेटिंग, यू नो, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि अमिताभ बच्चन से मिलने को मिलेगा। तभी वो कमरे में आए, मुझे आज भी याद है, एक बेसबॉल कैप, डेनिम की शर्ट, डेनिम ट्राउजर्स, हेलो आई एम अमिताभ बच्चन। तो ये मतलब शायद दिमाग में तो यही चला, ओ रियली, सो लाइक आई नो, या, and then we spoke and we spoke about it and थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट पे बात हुई, और फ्राइडे का दिन था, मैं घर आ गया, और फिर दो दिन तक मेरे को कुछ अंदर से कुछ होता रहा, नींद वींद गायब हो गई, खाना पीना कम हो गया, और मुझे एक्साइटेड तो बहुत था बट कुछ परेशानी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं परेशान क्यों, और मुझे खा क्या रहा है अंदर अंदर अंदरूनी अंदरूनी ये क्या चीज है, क्या कह क्या रही है मेरे से। मंडे को मैं फिर मिला अमित जी को, और उनको मैंने बोला, अमित जी मतलब हाफ ऑफ मी इज सो एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, बट हाफ ऑफ मी इज टेलिंग मी आपको ये नहीं करना चाहिए। तो he smiled in his very stoic manner, उन्होंने ऐसे देखा, उनकी गहरी गहरी आंखें, मुझे आज भी याद है, थोड़ी देर तक वो झांकते रहे मेरी आंखों में, फिर बोले कि फिर स्माइल, he broke into a smile, इसे ऐसा क्यों, ऐसे सर आपको हमने हमेशा 60 फीट का देखा है, यू नो, पर्दे पे, हम थिएटर में जाते हैं और अमिताभ बच्चन हमारे आगे, वैसे ही आप 6 फीट के हैं और 60 फीट के हो जाते, और आप हमारे दिलो दिमाग जहन में छा जाते हैं और छा चुके हैं। अब आप अगर टीवी पे आएंगे तो मेरे हाथ में रिमोट होगा, आज तक आपने हमें कंट्रोल किया, अब मैं आपको कंट्रोल करूंगा, मैं रिमोट से कहीं भी जा सकता हूँ, वो मेरे से नहीं देखा जाएगा। तो वो हंस पड़े, उनको समझ में आया कि ये मेरा ये फैन क्लब है, ये मतलब आधा प्रोफेशनल भी है बट आधा फैन भी है, और हम लाइक द होल जनरेशन, हम तो दीवाने थे अमित जी। उन्होंने कहा नहीं राकेश, आने वाले वक्त में यही होगा, और आप देखिए उनकी दूरदर्शा, मतलब हाउ फार ही कुड सी, ही स्टार्टेड द फर्स्ट कॉर्पोरेशन फॉर फिल्म मेकिंग कॉल्ड ABCL, अब सिर्फ कॉर्पोरेशन है, एंड बड़े बड़े स्टूडियो उसके बाद आए, वार्नर ब्रदर, डिज्नी, UTV, यशराज, ये सब बाद में बने, बट सबसे पहला इंसान कौन था, वो अमिताभ बच्चन था, नए युग। और आजकल आप एड फिल्म देख लीजिए, आपको मतलब ऐसी कोई एड फिल्म नहीं है जिसमें सेलिब्रिटी ना हो, शायद 100 में से आपको 10 मिलेंगी ऐसी जिसमें ना हो, 90 में तो सब सेलिब्रिटीज ही हैं। I always felt he can see the future. Radio Nasha.